हम रोड आले लेफ्ट ला फिरू आता का वाओ इसके भी जिसके शब्द ही नहीं है। अब हम यहाँ थोड़े रुके हैं कुछ बर्ड्स का साइटिंग करने के लिए। तो हम दोनों तो यहीं पे बोट में हैं और वो पीछे से कुछ शॉट्स लेने के लिए गए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए गए हैं पीछे। आज मेरे ख्याल से इस पूरे भिगवन एरिया में सिर्फ हमारी एक ही बोट है, कोई नहीं है, और ऐसा मौका वापस नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप आते हो तो बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, बहुत सारे बोट्स पानी में होते हैं, तो शांति से बर्ड वॉचिंग नहीं हो पाता, बर्ड्स भी थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं और ठीक से साइटिंग नहीं होता, ठीक से फोटोग्राफ्स नहीं मिलते। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक बोट है इस पूरे एरिया में, तो कोई टूरिस्ट नहीं है, अच्छा साइटिंग हो रहा है आज। ये जो उसके इस डैम के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली बैक वाटर्स है उजनी डैम का, यानी अपने पुणे में से, पुणे शहर से जो मुड़ा मुठा रिवर जो बहती है, तो उसका जो पानी आता है उसके ऊपर, वो बहते पानी पर ये उजनी डैम बांधा गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये पूरा बैक वाटर उजनी डैम का है। ये देखिए, ये होता है जुनून बर्ड वॉचिंग का। हमारे जो शंकर साहब जो है, जो हमारे गाइड है, उन्होंने मैडम का कैमरा लिया है और वो खुद उस पंछियों के फोटोग्राफ्स निकाल रहे। ये होता है जुनून, एक बार ठान ली तो ठान ली। हम सब लोग इसलिए वहां पर नहीं गए कि ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं करनी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, सारे लोग नहीं जाएंगे, तीन लोग ही जाएंगे, हम दो लोग यहीं पर रुकेंगे। क्योंकि ज्यादा भीड़ अगर हुई तो ये उड़ जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, तो एकदम शांति से जाना पड़ता है। एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जब आपको बर्ड वॉचिंग करना होता है तो ऐसे बैठ जाइए, जनरली क्या है कि आप उन बर्ड्स के लेवल पे आ जाइए, या तो रेंगते रेंगते जाइए या फिर एकदम नीचे बैठ जाइए, तो बर्ड्स को जल्दी से आप दिखते नहीं हैं। और जब भी आप कपड़े अगर यहाँ पे पहने तो एकदम ब्राइट कलर के कपड़े मत पहनिए। शायद इनको मिल गया है मनचाहा फोटोग्राफ। अब ये आ रहे हैं वापस बोट में बैठने के लिए। ये सब ब्राउन हेडेड गर्ल है। ये व्हाइट जो ब्राउन हेडेड गर्ल्स के पीछे जो छोटे छोटे है ना, ये इसका टर्न से छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ग्रे ब्लैक, तो उसके बाजू में जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं वो ग्रे हेरॉन है। यहाँ पे एकदम आगे एक ब्राउन हेडेड जो गर्ल है, तो उनकी जो फीमेल होती है ना, ये एकदम आगे खड़ी है, जिसकी बीक जो चोच है वो ऑरेंज कलर की है और उसका जो हेड है वो ब्राउन नहीं है, वाइट कलर का ही है। ये अभी जा रही है पीछे, ये फीमेल है। मिट्टी पर भी एक खड़ी है, देखिए ये सामने मिट्टी में खड़ी है। तो फीमेल की जो बीक होती है चोच, ये उड़ी फीमेल, तो वो ऑरेंज कलर की होती है और सिर वाइट ही होता है, ब्राउन नहीं होता। मेल का सिर ब्राउन होता है। वो जो इंजर्ड है उसका नाम है ब्लैक टेल गॉडविट, ब्लैक टेल है, उसकी पूंछ ब्लैक कलर की होती है, वो इंजर्ड है एक पैर से। जो एकदम पानी में अपने पैर डाले हुए है, खुद की साफ सफाई कर रहा है, इसका नाम है केंटिश फ्लोर। इसके सिर पर ब्लैक कलर है। ये एकदम छोटा सा ना एक पंछी यहाँ पे दिख रहा है, लिटिल स्टिंक इसका नाम है।
ये एकदम छोटा होता है, आपके पाम में भी ये आराम से बैठ जाएगा, पाम से भी बहुत छोटा होता है। और ये आता है साइबेरिया से, लगता नहीं कि इतने दूर से ना इतना वो आता होगा, लेकिन स्टैमिना देखिए कितना दूर आया है, देखने का मजा ही कुछ और है। अगर एक घंटा भी अगर ऐसा करेंगे ना, जिम में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो सारे रिवर टर्न, लिटिल टर्न, विस्कर टर्न होते हैं ना, इनके पंखों को ऑयल कम होता है तो ये ज़्यादा देर तक पानी में रह नहीं सकते। अगर मछली पकड़नी है तो ये किंग फिशर जैसे सूर मारते हैं पानी में और मछली पकड़ के इमीडिएटली ऊपर आ जाते हैं। अगर ये थोड़ी देर भी अगर वहाँ पे पानी में रहे तो ये डूब जाएंगे, क्योंकि इनके पंखों को ऑयल कम होता है। ये सामने आप एक ब्रिज देख रहे हैं, ये पुराना ब्रिटिशों के ज़माने का पुणे सोलापुर हाईवे है जो अभी पानी के नीचे गया है, इस डैम के बैकवाटर्स के पानी के नीचे। बर्ड साइटिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है, अब हम जा रहे हैं फ्लेमिंगोस देखने के लिए। यहाँ पर अभी हमने कुछ ऐसे बर्ड्स देखे कि जो बहुत रेयर भी है, बहुत दूर दूर से माइग्रेट होकर आते हैं। अब देखते हैं फ्लेमिंगोस। वो सामने जो दिख रहे हैं वो फ्लेमिंगोस है, लेकिन जरा देखिए कितने सारे हैं, सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। ओपन बीक इनको इसलिए कहते हैं कि उनकी जो चोंच है वो हमेशा ओपन ही होती है, और उनके पीछे जो है व्हाइट कलर विथ रेड लेग्स वो है फ्लेमिंगोस। ये जो उड़ रहे हैं ये ओपन बीक स्टॉर्क है। सारे ओपन बीक स्टॉर्क्स तो उड़ गए, अब ये ओपन शॉट हमें मिला है फ्लेमिंगोस का। कलर चेंज होना शुरू हुआ है, उनके पंखों के अंदर पिंक कलर होता है। से सारे फ्लेमिंगोस उड़कर आ गए यहाँ सामने, अब हम उनको अलग एंगल से देखेंगे लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके भी जिसमें शब्द ही नहीं है।
फ्लेमिंगोस वापस अलर्ट हो गए हैं, शायद उड़ सकते हैं वापस, तैयारी में लग रहे हैं सारे उड़ने के। यस, तैयार उड़ने। इनके सिस्टम ऐसे होती है कि पहले एक उड़ेगा, उसके पीछे सारे उड़ेंगे, एक लीडर होता है। अब जब भी उनको कहीं पे लैंड करना है तो पहले उनका लीडर लैंड करेगा, उसके पीछे सारे के सारे लैंड हो जाएंगे। तो हमें इमीडिएटली पता होता है कि ये शायद किस डायरेक्शन में जाके कहाँ पर बैठेंगे। ओपन पिक स्टॉक, ये जो छोटे छोटे पंछी आपको दिख रहे हैं ना पानी में, इनको बोलते हैं रेड स्पॉटेड श्रैंक। रेड स्पॉटेड शैंक। फ्लेमिंगोस जनरली बैठे हुए नहीं दिखते, ये हमेशा खड़े ही दिखते हैं। एक पैर पर खड़े होंगे, वो पैर थकने के बाद दूसरे पैर पर खड़े होंगे, और फिर ज़्यादा थकने के बाद ये फ्लेमिंगोस अंदर पानी में जाते हैं, डीप वाटर्स में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर तैरते हैं और इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं। ज़्यादा देर तक ये तैर नहीं सकते, तो इसलिए हम ज़्यादा करके फ्लेमिंगोस को खड़े ही देखते हैं। Yes. उड़ते हुए तो क्या बताएं, कितने सुंदर दिखते हैं, वाओ। अच्छा, वहीं पर बैठ गए। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा मैं, कि कुछ देर पहले जब ये उड़ जाते थे फ्लेमिंगोज हमें देख के, तो दूर कहीं पे जाके बैठ जाते थे, लेकिन अब जस्ट ऐसा हुआ है दो बार कि ये उड़ के पास ही में कहीं पे बैठ गए, यानी इनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब ये ज़्यादा दूर नहीं जाते, यानी इन्हें पता चल गया है कि ठीक है, हम इंसान जो यहाँ पे है पानी में इनके साथ, हमसे उन्हें कोई धोखा नहीं है, हम उनको हार्म नहीं करने वाले हैं। अभी अभी एक चीज़ पता चली, एक बात पता चली है कि अगर इनकी लंबी फ्लाइट है, 800-900 किलोमीटर की फ़्लाइट है एक दिन की, तो ऐसा सुना गया है, अभी तक अपने यहाँ पे कभी देखा नहीं है, कि ये उड़ते उड़ते ही सोते हैं अपने पंखों पर। कभी देखने को मिला तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुश्किल है देखना, अपने यहाँ पे इनकी फ्लाइट्स तो बहुत छोटी होती है। होता ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप जंगल में जाइए, लेकिन शेर देखिए, इसके कंडीशनिंग मत रखिए, जंगल तो देखिए, लेकिन फिर भी शेर देखने के बाद ऐसा लगता है आहा, वाव इफेक्ट आता है कि यस, मज़ा आ गया, वाव इफेक्ट। सेम चीज़ फ्लेमिंगोस के साथ, यहाँ पे इतने माइग्रेटरी बर्ड्स देखे, लेकिन फ्लेमिंगो दिखने के बाद जो फीलिंग आता है, क्या कहने। यहाँ पे सामने 6 फ्लेमिंगोज दिख रहे हैं, 6 में से 5 सो गए हैं एक पैर पर खड़े होके, और एक ही जग रहा है, अभी एक और जग गया, तीसरा जग गया, चौथा जग गया, हाँ ये सबके पीछे पड़ गए थे, अभी ये अपने ग्रुप के पास चले जाएंगे। सुना तो था कि फ्लेमिंगोस अपने पंखों के ऊपर सोते हैं जब लॉन्ग फ्लाइट होती है 800-900 किलोमीटर की, लेकिन अभी भी जस्ट हमने सर्च किया गूगल पे, यहाँ पे बीच में पानी में बैठ के,
सुरेश जी ने सर्च किया कि एग्जैक्टली होता है या नहीं, फ्लेमिंगोज अपने मंगू के ऊपर नहीं सोते, लेकिन ऐसे कुछ बर्ड्स हैं माइग्रेटरी जो अपनी लंबी फ्लाइट के दौरान अपने पंखों पर भी सोते हैं। लेकिन फ्लेमिंगो कब सोते हैं? जब एक पैर के ऊपर वो खड़े होते हैं, अपनी चोंच अपनी पीठ अपने पंखों में पीछे बैक साइड पे वो अंदर डालते हैं और सो जाते हैं। ये यहाँ के फिशरमैन, हमने डिसाइड किया था कि हम एक घंटे की बोट राइड नहीं लेंगे, तीन घंटे की लेंगे, लेकिन असल में देखा जाए तो हम लोग चार घंटे अंदर थे पानी में। और इतना साइट सीइंग अच्छा हुआ, इतने बर्ड अच्छे दिखे हमें कि हिलने का जी नहीं चाह रहा था। अभी भी ऐसा लग रहा था अरे थोड़ा सा और रुका जाए, लेकिन मेरे ख्याल से चार घंटे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो चार घंटे के बाद हम लोग आए तो है, अगर ये आम जिंदगी होती, आम कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ये, तो शायद ऐसा होता कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए इतनी धूप में। लेकिन आज का इतना अच्छा साइट सीइंग हुआ है, बर्ड वॉचिंग हुआ है कि बिल्कुल लगने रहा कि कुछ ऐसा धूप की तकलीफ हुई है या डिहाइड्रेशन हुआ है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप ध्यान से एक चीज़ अपने गार्ड बांध ले कि आपने 4-5 बॉटल पानी अंदर लेके जाना है शिप में, बिकॉज कई लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं धूप के लिए। तो हमेशा याद रखना है पानी ना भूले, नहीं तो डिहाइड्रेशन की तकलीफ कई लोगों को हो सकती है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर थे, बाकी कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं थे अंदर। तो जिस तरीके का बर्ड वॉचिंग आज हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। अभी हम लोग जो होटल में जाके खाना खाने वाले ना, जो फिश खाने वाले हैं, सो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुरेश जी हमें देने वाले हैं। हाँ जी सुरेश जी, ये जो फिश खाने वाले हैं वो है फ्रेश वाटर फिश जो नदी में मिलता है, और मैंने ऐसा ही फिश अफ्रीका में भी खाया था, विक्टोरिया लेक में, और बहुत बढ़िया फिश होता है जो बेक करते हैं वो फिश, वो वाला अच्छा अच्छा लगता है। तो देखेंगे अभी यहाँ का कैसा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ही होगा, टेस्टी तो होगा, बहुत सुना है हमने। और अब देखते हैं इन लोगों ने कैसा बनाया। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जब इतनी भूख लगती है ना, आप कुछ भी खाइए, बहुत टेस्टी होता है। मराठी में चिलापी है, मराठी में चिलापी बोलते हैं, ओके, और इंग्लिश में शायद तिलापिया है, इंग्लिश में तिलापिया, चिलापी तिलापिया जो भी है। खाने के लिए हम होटल में जा रहे हैं, चलिए जरा हमारे साथ। लेकिन काश मैं आपको इसकी टेस्ट भी दे देता, स्मेल भी दे देता, कैसे मस्त एकदम उसकी स्मेल आने वाली है, मैं तो यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होटल में। फिश खाने के लिए आपको अगले टाइम हमारे साथ आना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, यस। और अगर आपको हमारे साथ आना है तो हमारे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। जर्नी डिटेल्स को बहुत बहुत खुशी होगी आपको यहाँ पे लाने की। तो आई होप कि आप हमारे साथ जल्द ही यहाँ पर आएंगे, जरूर आइए। ये है चिलापी फिश, यहाँ का फेमस लोकल फिश, और अब ये खाना हम लोग शुरू कर रहे हैं। टेस्ट तो ऑलरेडी हमने ली है, बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना है। तो काश मैं आपको इसकी टेस्ट दे पाता, लेकिन नहीं दे पाऊंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत टेस्टी है। ये संदीप जी है, और इन्होंने यहाँ पे रहने की सारी व्यवस्था की है, और आप लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बहुत स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ कुंभारगांव। ये बर्ड्स ऑफ कुंभारगांव जो बुक है, यहाँ पे उन्होंने सारे बर्ड्स के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि तो ये बर्ड्स कब कब यहाँ पर आते हैं, उनकी साइज कितनी होती है कुछ, और उनके फोटोग्राफ्स, सारे फोटोग्राफ्स इन्होंने निकाले हैं। तो दो शब्द संदीप जी आपसे बात करेंगे। हाँ, तो मेनली ये जो कुंभारगांव है, तो भिगवन के नाम पे ही ज़्यादातर फेमस है। तो मेन जो बर्डिंग है इस कुंभारगांव के एरिया में ही ज़्यादा बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो जो यहाँ का सीज़न है, तो एक अक्टूबर नवंबर के आसपास शुरू होता है, तो उसके बाद अप्रैल में वो जून तक चालू रहता है। तो जैसे कि हर महीने में, हर एक दो महीने में बर्ड्स के जो स्पीसीज है
बदलते रहते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। जैसे कि अक्टूबर में आपको कुछ नए बर्ड्स मिल जाएंगे, फिर जनवरी में कुछ अलग बर्ड्स मिल जाएंगे, और फिर से जो अभी ये है मार्च अप्रैल का जो मंथ है उसमें कुछ अलग 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 बर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो आप अगर आपको हर एक वैरायटी या अलग अलग वैरायटी देखना है तो आप एक पूरे सीजन में तो कम से कम तो दो तीन तो आपको सफारी या विजिट देना होगा, दो तीन बार आपको साल में कम से कम दो तीन बार तो ही आपको यहाँ का मैक्सिमम बर्ड्स आपको मिल सकता है। और बाकी जो मैंने यहाँ गांव के जो लोकल लड़के हैं उनको सब साथ में लेके उनको ट्रेन करके एक बर्डिंग का नॉलेज दे के तो सबको एक गाइड सुविधा, जैसे कि मतलब कि इकोटूरिज्म जैसा इधर बनाया है तो काफ़ी जगह से लोग आते हैं और यहाँ बर्ड वॉचिंग करते हैं। यहाँ का जो होममेड फूड है, जैसे कि हमने माहौल है हमारा, जैसे आपको दिखाया था रहने के लिए ये हमने रूम्स बनाए हैं, और आजू बाजू भी कई एरिया है जहाँ कुछ इंडियन गजर्स या डियर्स मिल जाते हैं या कुछ अलग अलग जैसे कि जो फॉरेस्ट वाले बर्ड है, जंगल वाले बर्ड, वो भी आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप जिनको भी लगे तो एक बार भिगवन में या इस कुंभारगांव में जरूर आएगा आप। जब इनसे हम लोग बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि साल में अगर आप चार बार यहाँ पर आते हैं अलग अलग महीनों में तो आपको हर बार अलग नजारा दिखाई देगा। सुंदर जी थैंक यू सो मच, बार बार मिलते रहेंगे और अब अगली बार हम अलग लोगों के साथ आप लोगों के साथ इनको मिलेंगे। ठीक है, आज का दिन इतना एडवेंचर भरा रहा कि बता नहीं सकते, पूरा वसूल। इसके लिए तो 10 वीडियो बनाओ तो भी कम है। अगर आपको ये पूरी चीज़ देखनी है तो आप जर्नलिस्ट के साथ आइए, हमारे सारे डिटेल्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और यहाँ पर भी मैं नीचे दे रहा हूँ सारे डिटेल्स। होप सो कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अभी ये वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर आज पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ इसे अभी इमीजिएटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं एक अगले डेस्टिनेशन पर थोड़ा सा सीन और बहुत बड़े अनसीन के साथ जर्नी डील्स चैनल पर। बाय बाय।